सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो जैसा आपको पता है, आपकी जितनी भी पीजी, यूजी या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज की कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन है, हर तरह का एजुकेशनल कंटेंट जो है मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ इस चैनल पे। चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो हर एक वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। वो स्टूडेंट जिन्होंने ट्वेल्थ पास अभी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है, वो स्टूडेंट जो इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या जिन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट की है यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट चैनल है। ज़रूर सब्सक्राइब करें। सभी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की आपकी इन्फॉर्मेशन हैं वो इस चैनल पे आपको मिलेंगी, और मैं रेगुलर अपडेट देने की कोशिश जो है आपको यहाँ पे करता हूँ। जैसा कि आपके साथ में कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं शेयर कर रहा था, कोर्सेज़ के बारे में शेयर कर रहा था, इसी सीरीज़ में एक जो वीडियो है आपकी, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को जो है पूछना था, पूछ रहे थे कि हर एक कॉलेज जो है आपका, जैसे MAM कॉलेज हो गया आपका, साइंस कॉलेज हो गया, परेड कॉलेज गांधीनगर वाला, या फिर आपका कॉमर्स कॉलेज, इस तरह के जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी क्या प्रोसीजर रहता है एडमिशन का, उनकी क्या फ़ी है, सबसे बड़ी चीज़ जो पूछ रहे थे क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे फॉर्म फिल होगा, करना होता है कब फॉर्म फिल होगा, सबसे बड़ी चीज़ कब फॉर्म फिल होगा, कब तक एडमिशन ओपन होगी, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो में स्पेशली प्रोसीजर के ऊपर बात करूँगा, फ़ी के ऊपर बात करूँगा, और कौन कौन से कोर्सेज किस किस कॉलेज में अवेलेबल हैं उनके लिए बात करूँगा। नेक्स्ट वीडियोज़ जो आएंगी, जैसे आपको मैंने बताया कि कब तक एडमिशन स्टार्ट होगी, वो वीडियो आएगी, और इन सभी कॉलेज की जब जब जो भी नोटिफिकेशन आउट होगा आपको सबसे पहले मेरे चैनल पे मिलेगा। चैनल आप सब्सक्राइब करें, जब भी एडमिशन आपकी विद इन अ डेज शुरू होने वाली है, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मेरे ही चैनल पे मिलेगा। इसके अलावा एक चीज़ और छोटी सी बता दूं कि आपके जो भी क्वेश्चन क्वेरी हो, कोई पर्सनल आप में से पूछना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है, वहाँ जाके मुझे फॉलो करें। वहाँ जो है ऑलरेडी मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना क्वेश्चन क्वेरी मेरे साथ शेयर करते हैं डायरेक्टली, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दूँ, आपके सामने कॉलेजेस के नाम लिखे हुए हैं, ये जो आपको दिख रही है सबसे पहले हैंडबुक, ये प्रोस्पेक्टस है आपके 2020 की, जो आपकी लास्ट एडमिशन हुई है उसमें सभी कॉलेजेस की हैंडबुक मेरे पास में है। ये भी आपको चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पे दे दूँगा, आप वहाँ से मेरे से जाके मांग सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉलेजेस दिख रहे हैं सीरियल नंबर में, ठीक है, कॉलेजेस दिख रहे हैं सीरियल नंबर में आपको, उनमें कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका है साइंस कॉलेज, ठीक है, साइंस कॉलेज में आपको BSc BCA यहाँ पे दिख रहा होगा, BSc ऑनर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी मैथमेटिक्स, किसी में भी आप BSc ऑनर्स कर सकते हो, MA इंग्लिश कर सकते हो, MA जियोलॉजी कर सकते हो, MSc जियोलॉजी कर सकते हो, ये सारे आपके कोर्सेज वहाँ पे लास्ट ईयर अवेलेबल थे। इस बार एडिशन भी हो सकती है बहुत सारे कोर्सेज में, ठीक है, ये लास्ट ईयर के बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपका जो दिख रहा है कॉलेज वो है आपका गांधीनगर वाला, ठीक है, GCW गांधीनगर, यहाँ पे आपको BA BSc BSc होम साइंस, BCom BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री, BA ऑनर्स इन इंग्लिश, BSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब में दिख जाएगी सबसे जो और भी जो कोर्सेज हैं जो भी ऐड होंगे इस बार, वो भी मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले चैनल पे। नेक्स्ट जो है आपको वो दिख रहा है MAM कॉलेज आपका, इसमें BA BSc BBA BCA BSc ऑनर्स इन फिजिक्स मैथमेटिक्स, BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA म्यूजिक, MSc इन मैथमेटिक्स, ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स जो ऐड होंगे इस बार वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आपको दिख रहा है आपका साइंस आपका कॉमर्स कॉलेज, इसमें BCom BBA BCA BCom ऑनर्स और MCom आपको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज आपका कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, उसके बाद इसमें आपको BEd और MEd करने को मिलेगी, ठीक है, ये सारे कोर्स, ये सारे कॉलेज जो है आपके क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। मेनली जो है इस वीडियो में मैं यही जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, यही पांच कॉलेज जो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं पांच कॉलेज के बारे में स्टूडेंट ने पूछा था। इसके अलावा जो एक कॉलेज परेड है उसके बारे में भी मैं आपका जो परेड कॉलेज है उसके ऊपर या तो इसी वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा, या उसका भी ऑलमोस्ट यही है, उसके जो कोर्सेज हैं वो मैं सब आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, अदरवाइज जब जम्मू यूनिवर्सिटी के कॉलेज की डिस्कशन करूंगा उसमें बता दूंगा। तो अभी मैं जो है इसमें मेनली क्लस्टर यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज डिस्कस कर रहा था आपके साथ में, मैंने कोर्सेज डिस्कस किए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर स्टूडेंट पूछ रहा है कि क्या प्रोसीजर है एडमिशन का, तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिखी मिल रही होगी लिखी हुई कि ड्यू टू कोविड 19 क्राइसिस देर विल बी नो एंट्रेंस टेस्ट, जो कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था वो नहीं हुआ था लास्ट टाइम। इस बार इंपॉर्टेंट चीज़ अब बता रहा हूँ, इस बार ये एंट्रेंस टेस्ट होगा या नहीं होगा अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मेरे ही चैनल पे मिलेगा जैसा ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, और मैं आपको बता दूँ इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इस बार आपका जो ये एंट्रेंस है इस बार भी ना हो, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। फिर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मेरे यहाँ पे ही मिलेगा, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि लास्ट टाइम एडमिशन जो कैसे हुई थी, अकेडमिक बेस्ड मेरिट,
अब इसका क्या मतलब है, मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है एकेडमिक बेस्ड मेरिट की बनाई हुई है, इस वीडियो के लास्ट पे दिख जाएगी, वो देख लेना, अदरवाइज़ मैं आपको समझा देता हूँ। एकेडमिक बेस्ड मेरिट मतलब जितना भी आपने अपने एकेडमिक्स में परसेंटेज ली है, यानी आप यूजी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको आपकी 12th क्लास की जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग, सभी सब्जेक्ट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली जितनी परसेंटेज आपकी बन रही होगी उसके बेस पर आपको जो आपकी BA या BSc जो करना चाहते हैं आप उसमें एडमिशन मिलेगी। अगर आप PG में ले रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज के अकॉर्डिंगली मिलेगी। अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ सब कुछ लिखा दिख रहा है कि कैसे एडमिशन बेस्ड जो है इन कॉलेज पे हो रही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि लास्ट टाइम जो एडमिशन है UG की, ठीक है, वो कब से शुरू हो चुकी थी, वो आपकी ये जुलाई की 29 जुलाई को जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया था। मैं बता दूं इस बार जो आपका पोर्टल ओपन हो सकता है वो 20 या 20 से पहले हो जाएगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ 20 या 20 से पहले जो है आपका हो जाएगा। फिर भी जो नोटिफिकेशन होगा मैं सबसे पहले जो है आपको दूंगा इसी चैनल पे, ठीक है। ये आपका लास्ट टाइम जो है फिल होना स्टार्ट हो चुका था। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछ रहे हैं, ठीक है, जो प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो कि किस तरह से जो है फॉर्म फिल करना होता है, किस तरह से, क्या ये जो कॉलेज हैं क्या हर कॉलेज को सेपरेट भरना होता है, हर कॉलेज के फॉर्म कैसे फिल करने हैं, ठीक है। जैसे MAM कॉलेज है तो उसका क्या अलग से फॉर्म फिल करना है, तो वो चीज़ मैं अब आपको बता दूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपको अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, यहीं पे आपको जो है इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी जाती हैं इस कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है या कैसे आपको अपना कॉलेज जो है वो उसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है पॉइंट जो स्टेप 7 दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है दी एप्लीकेंट, ये देखा ये वाला जो मैंने टिक किया है अभी, दी एप्लीकेंट शेल फर्स्ट फिल दी चॉइसिस ऑफ दी कॉलेज एंड देयर चॉइस दी प्रोग्राम फॉर एंड देन चॉइस दी प्रोग्राम फॉर विच दी एप्लीकेंट सीक्स टू अप्लाई, ठीक है। यानी सबसे पहले तो आपको प्रेफरेंस देनी है कि आपको MAM कॉलेज में एडमिशन लेनी है, अगर MAM आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, फिर साइंस कॉलेज, फिर इस तरह से कॉमर्स कॉलेज, ठीक है, इस तरह से आपको देना है, ठीक है। उसके बाद अगर ये आप देने के बाद उसके बाद आप प्रोग्राम्स की देंगे, जैसे अगर आपको BA करनी है तो BA फर्स्ट नंबर पर, फिर BSc, फिर इस तरह से, ठीक है, आपको प्रेफरेंस देनी है। तो ये आपका प्रोसीजर है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पूछे थे किस तरह से कॉलेज अलॉट होते हैं। तो आप जिस कॉलेज को प्रेफरेंस देंगे आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आपको वो जो कॉलेज है वो मिल जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि इन सब की मेरिट लिस्ट जब आउट होती है ना, वो भी सबसे पहले मैं आपको मेरे चैनल पे बताता हूँ। लास्ट टाइम की जो मेरिट लिस्ट है कितना मेरिट गया था वो मैं सेपरेट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा सभी लिस्ट जो है ना लास्ट टाइम की, कि क्या क्या परसेंटेज रहा है, ठीक है, वो सब टॉप कितना गया है, लोएस्ट कितना गया है, वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूंगा इसी चैनल पर, और कुछ ही दिनों में जो वो है वो वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो ये मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है बता दिया। एक चीज़ मैं और बता दूं, जो ये फॉर्म होता है जो आपको फिल करना होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फॉर्म जो है इसको 200 फीस जो है इसकी होती है फॉर्म फिल करने की। इसके अलावा जो एडमिशन फ़ी होती है आपकी ये अबाउट 7K to 10K रहती है, ठीक है, इसके बीच में होगी, ना इससे ज़्यादा होगी ना कम होगी, क्योंकि एग्जैक्ट नोटिफिकेशन में पता चलता है जब एडमिशन स्टार्ट होती है उससे पहले नोटिफिकेशन आता है। तो ये लास्ट टाइम के अगर मैं उसके अकॉर्डिंगली बताऊँ तो 10 से नीचे नीचे ही रहेगी, या अगर जो कन्फर्म जो होगी वो मैं नोटिफिकेशन के बाद आपको बताऊँगा। तो ये सारा आपका प्रोसीजर था इसका एडमिशन का। दो चीज़ें जो है अभी रह गई हैं, एक जो लास्ट टाइम का मेरिट है, ठीक है, मेरिट लिस्ट, क्योंकि मेरिट लिस्ट सभी डिस्कस करता है इसमें तो ये लेंथी हो जाती काफ़ी, मेरिट लिस्ट डिस्कस करूँगा आपके साथ में, ठीक है, पूरी मेरिट लिस्ट के क्या लास्ट टाइम मेरिट रहा, और भी टाइम टू टाइम जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा एडमिशन का आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलेगा। चैनल आप सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, कोई भी क्वेश्चन क्वारी हो वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें सबके साथ, जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें, जितने आपके फ्रेंड्स हैं उसके साथ में शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।